एयरटेल पेमेंट्स बैंक रिटेलर बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ आने वाले ग्राहकों के बिजली और गैस बिल का भुगतान भी कर सकते हैं और ये संभव है मित्रा ऐप द्वारा। कपिल जो एक एयरटेल पेमेंट्स बैंक रिटेलर है, आइए देखते हैं वो एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा बिजली और गैस के बिल का भुगतान कैसे करते हैं। भैया मुझे अपने एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट से 2,000 रुपए निकालने हैं। जी जरूर, थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे बिजली का बिल जमा करने जाना है। आपको तो पता ही होगा कि वहाँ लंबी लाइन होती है, वहाँ तक जाने में भी लगभग 1 घंटा लग जाएगा और आने जाने का खर्चा अलग से। जल्दी से पैसे निकाल दीजिए। ये लीजिए आपकी धनराशि। आप बिजली बिल जमा करने के लिए इतनी दूर क्यों जाते हैं? वो तो मेरी दुकान से भी कर सकते हैं। क्या, आपकी दुकान से बिजली बिल का भुगतान? अरे वो कैसे? जी बिल्कुल, आप कभी भी मेरी दुकान पर आकर बिजली या गैस के बिल का भुगतान कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेरा बिजली का भुगतान आप ही कर दीजिए। जी बिल्कुल, बिजली या गैस के बिल भुगतान के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक रिटेलर मित्रा ऐप पर लॉगिन करने के बाद एयरटेल पेमेंट्स बैंक टैब पर टैप करते हैं, यूटिलिटी पेमेंट विकल्प का चुनाव करते हैं, बिजली बिल के भुगतान के लिए ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी जैसे मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, राज्य और बिलर का चुनाव करते हैं और बिल के कॉपी पर लिखा CA नंबर एंटर करते हैं। अब रिटेलर ग्राहक से ली गई सारी जानकारी दर्ज करने के बाद फेच बिल पर टैप करते हैं। बिजली बिल की राशि स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाती है। आपके बिजली बिल भुगतान की राशि है 340 रुपए। अब रिटेलर पे बिल विकल्प पर टैप करते हैं। रिटेलर अपना 4 अंक का MPIN दर्ज करते हैं और प्रोसीड पर टैप करते हैं और बिजली बिल का भुगतान सफलतापूर्वक हो जाता है। सर बिजली बिल का भुगतान हो गया, आपके पास पुष्टि मैसेज भी आया होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ये लीजिए 340 रुपए। इतने से काम के लिए मुझे दूर जाना पड़ता था, आपने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, धन्यवाद। अब आप अगली बार एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा अन्य बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ बिजली और गैस बिल का भुगतान यहीं या किसी भी नजदीकी बैंकिंग पॉइंट से कर सकते हैं। अरे वाह, सच में? अगर ऐसा है तो गैस बिल का भुगतान भी कर दीजिए। जी जरूर। गैस के बिल भुगतान के लिए रिटेलर यूटिलिटी पेमेंट विकल्प का चुनाव करते हैं, गैस विकल्प पर टैप करते हैं। गैस बिल का भुगतान के लिए ग्राहक द्वारा दिए गए जानकारी जैसे मोबाइल नंबर एंटर करते हैं, बिलर का चुनाव करते हैं और गैस बिल के कॉपी पर लिखा कस्टमर ID एंटर करते हैं। ग्राहक से ली गई सारी जानकारी दर्ज करने के बाद फेच बिल पर टैप करते हैं। आपके गैस बिल भुगतान की राशि है 670 रुपए। अब रिटेलर पे बिल विकल्प पर टैप करते हैं। रिटेलर अपना 4 अंक का MPIN दर्ज करते हैं और प्रोसीड पर टैप करते हैं और गैस बिल का भुगतान सफलतापूर्वक हो जाता है। सर आपका गैस का बिल जमा हो गया, आपके पास पुष्टि मैसेज भी आया होगा। धन्यवाद, मेरे पास पुष्टि मैसेज भी आ गया, ये लीजिए 670 रुपए।